हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ में। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर की जो बटन है उसको क्लिक कर देना, एंड उसी के नीचे एक बेल बटन आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। जो घंटी दिख रही होगी उसको क्लिक कर दोगे जिससे मेरा जो भी आने वाला वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। एंड यहाँ पर मैं जो है तो डिब्बे मैंने वॉश किए थे बहुत सारे, पूरे वही सारे दाल वाल के जो भी डब्बे उसी को मैं निकाल निकाल के सारी चीज़ें भर रही थी, क्योंकि गणपति आ गए थे उस टाइम। तो मैं सोची कि पूरी सफाई कर लो घर की, बहुत गंदा भी हो गया था, बहुत दिन से साफ़ सफाई भी नहीं किया था। सो इसीलिए मैंने ये रात में ही सारे डब्बे धो के रख दिया था ताकि सुबह तक में पूरे सूख जाएं, एंड उसके बाद मैं इसमें से सारी चीज़ें किचन की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डाल सकूं। सो इसलिए मैं इन डब्बों को पोछ पोछ के जो एक्स्ट्रा सामान मेरे पास रखा था वो सारी चीज़ें मैं भर के रख दे रही थी। बार बार फिर टाइम नहीं मिलता इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें डब्बे में भर के रख रही थी। सो गाइस, जब मैं ये डब्बे भर रही थी ना तभी ना एक ना प्लास्टिक वो स्टील का ना डब्बा टाइप में था, उसी के कारण ना मेरे लास्ट में ना मेरे हाथ में ना कट गया था। सो मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं की तो इसलिए मुझे ना मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा ब्लैक खून आ रहा था। सो इसलिए मैंने उस टाइम रिकॉर्ड बंद कर दिया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे डब्बे को मैं भर के रख रही हूँ। एंड गाइस, जिसने जिसने मेरा तीज का ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे जाके देखिए, बहुत अच्छे अच्छे तीज के ब्लॉग हैं, गणपति के भी ब्लॉग हैं। सो उसे भी देखिए, एंड वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब घर पे अगर अपन सफाई करो ना बहुत काम पड़ जाता है। अगर डब्बे वब्बे जब साफ़ उफ करके रखो, पूरे छोटे छोटे डब्बे रहते हैं उसमें क्या क्या सामान बना रहता है, बहुत ज़्यादा काम फैला रहता है। सो अकेले करो तो और ज़्यादा थक जाता है इंसान। पर क्या है कि फेस्टिवल आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ त्यौहार आता है तो साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ती है। यहाँ पे मैं एक एक डब्बे सब पूछ पूछ के रख रही थी ताकि गंदा ना हो। डेली तो वैसे साफ़ करने का टाइम मिल नहीं पाता, थोड़ा बहुत साफ़ कर सको, लेकिन जो डब्बे वब्बे थे वो पूरे साफ़ नहीं हो पाते। सो इसीलिए है तो मैं साफ़ करके रख रही थी। वैसे तो मेरा किचन बहुत छोटा है तो अच्छा, मुझे ज़्यादा चीज़ें साफ़ नहीं करनी थी इसलिए मैंने पूरा किचन की सफाई कर दिया था। सो यहाँ पे अब देखो कि आप, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है जिस दिन हमारा पॉल्यूशन चालू हुआ था उस दिन का है। हम लोग जा रहे हैं मंदिर। ये मेरे घर का बाहर का व्यू है, देख लीजिए गाइस कितना अच्छा लगता है ना मॉर्निंग में सुबह सुबह टाइम बाहर घूमने जाओ। तो हम लोग जा रहे थे मंदिर, यह हमारे घर के बिल्कुल पास का ही एरिया है। सो ग्रीन ग्रीन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारे घर के पास गार्डन भी है, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ वीडियो में कि मेरे घर के पास गार्डन भी है। सो वो गार्डन भी बहुत अच्छा है एंड पास में है ना, तो और अच्छा रहता है कि आपका मन हो तो आप जाओ बैठो। गाइस यहाँ पे देखिए बिल्डिंग्स कितनी बड़ी बड़ी रहती है मुंबई में, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये पूरा सुबह से ही मार्केट है वो बन जाता है। एंड ये जो ए मार्केट है ये आनंद एरिया का है, ये देखिए सुबह के टाइम में तो ज़्यादा पब्लिक नहीं रहती पर रात में दोपहर के टाइम में तो बहुत पब्लिक रहती है, बहुत बहुत पब्लिक रहती है। ये जो एरिया देख रहे हो आप ये हमारे यहाँ का आनंद एरिया का मेट्रो ट्रेन है ना, मेट्रो स्टेशन है ये। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग बना के डाल। आंटी क्या कर रहे हो आप? भाई हम तो जो मराल में कुछ नहीं, क्या बना रहे, काय का लड्डू बना रहे हो आप? गेहूं चना का। गेहूं चना का, चना नहीं सिर्फ गेहूं का। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये लड्डू बना रहे हैं और ये गरम पानी है, गरम पानी से मिला के बनाओगे ना। और ये बन चुका है गणपति भगवान जी का प्रसाद है ये। और यहाँ पे हमारे अंकल बना रहे हैं। अंकल ये क्या कर रहे हो आप? ये फ्राई कर रहे हैं। फ्राई कर रहे हैं अंकल, पका रहे हैं। चलो
सो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।